अस्सलाम व्यूअर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरे चैनल शर्जील इलेक्ट्रिक स्टोर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। डेयरी फार्म की ये मोटर है, ये हमने रिवेंड की है। दूध की चुवाई के लिए ये मोटर इस्तेमाल होती है। इसके मैं आज आपको कनेक्शन समझाऊँगा। ये जनाबे वाला है, उसके कनेक्शन है। ये हमारे पास मेन तार है ये वाली। ये हमने 6 एम्पेयर का 7 सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है। ठीक हो गया। ये जो लाल पॉइंट है ये रनिंग की है तार, ये वाली। ठीक हो गया। और ये जो लाल है ये भी रनिंग की, ये रनिंग की होगी लाल, ये वाली ये भी रनिंग की होगी। ठीक हो गया। ये जो ब्लैक है ये स्टार्टिंग की है, और ये नीले रंग की जो है ये भी स्टार्टिंग की है। ये एक रनिंग और स्टार्टिंग की मिला के इसके साथ ये एक मेन तार लगा दी हमने, ये वाली, ये रनिंग और स्टार्टिंग को। उसके बाद ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के साथ ही हमने ये देखें, ये वाली जो तार है ये रनिंग कैपेसिटर की और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की है, ये वाली। ठीक हो गया। उसके साथ क्लच प्लेट की ये दो पीले कलर की तारें हैं। इन तारों के साथ ये जो लाल लगाई हुई है हमने, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की तार है। ये क्लच प्लेट की एक पॉइंट वाली तार के साथ ये होगी स्टार्टिंग कैपेसिटर की। दूसरा जो रनिंग का है ना, रनिंग के साथ जनाबे वाला एक क्लच प्लेट की, ये देखें ये एक क्लच प्लेट की तार हो गई, और लाल जो है ये हो गई रनिंग। इन दोनों का आपस में ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद इसी इन्हीं दो के साथ ये रनिंग कैपेसिटर का पॉइंट निकालेंगे। ये जो तार है ये रनिंग कैपेसिटर की है, ये वाली। और इसी के साथ ही आके ये वाली मेन आ गई जो सर्किट ब्रेकर से आ रही है। इसके साथ जनाबे वाला हमने 35 UF का रनिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है। 250-300 स्टार्टिंग कैपेसिटर है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।